हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यामा R2 के बारे में। तो गाइस, ये जो बाइक है ये रजिस्टर्ड हो चुकी है, इसका जो जो गाइस रजिस्टर्ड हो चुका है और ये बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली है। तो गाइस, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस, कुछ फीचर्स, प्राइसिंग, किन किन चीज़ों के साथ आएगी और ये क्यों आएगी, उसको इंडियन मार्केट के अंदर क्यों आना चाहिए, मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस, अगर आपने वीडियो अभी तक हमारी लाइक नहीं की है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं जो गाइस मैं आपको बताऊंगा, आप उनको सुनेंगे तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि गाइस ये बाइक जो है इंडिया मार्केट के अंदर कब तक आ जाएगी और इसकी जो प्राइसिंग है वो क्या रहेगी और इसके फीचर्स वगैरह मैं आपको सारा बताता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले गाइस, ये जो मतलब जो R2 जो वर्ड है ये कहाँ से आया? तो गाइस, एक्चुअली यामा ने इसका एक पेटेंट फाइल किया था, उसके अंदर जो गाइस इसकी जो फाइल्स हैं वहाँ पे पता चला कि एक R2 नाम से ये बाइक लॉन्च करने वाले हैं। तो वहाँ से जब से ये R2 सुना गया है ना, तब से गाइस ये काफ़ी क्रेज़ में है और देखना है ये कि इंडिया मार्केट के अंदर ये कब तक आएगी। एक्सपेक्टेड जो लॉन्च डेट है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो गाइस, इस बाइक को सिंपल तरीके से लोग बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताइए यामा R2 और R15, जो R15 है वो काफ़ी पावरफुल बाइक है, बट उसमें एक प्रॉब्लम है, ये हो जाती है जैसे उस पर दो बंदे बैठते हैं तो वो पावर कट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन R2 के साथ ऐसा नहीं होगा, R2 का लुक काफ़ी एग्रेसिव रहेगा, काफ़ी हद तक उसी बाइक की तरह आपको दिखेगी, बट इसके अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि गाइस, इसका थोड़ा जो हैंडलिंग है वो पहले से अच्छी की जाएगी और गाइस जो ब्रेकिंग है वो भी पहले से इम्प्रूव होगी। और आपको पता ही होगा गाइस, फ्रंट में तो USD फोक्स देखने को मिलते हैं और सामने गाइस जो इसको LED लाइट के साथ ही आने वाला है। और जो गाइस इसका जो हेडलैम्प है उसमें थोड़े अपग्रेड किए जाएंगे, क्योंकि पिछली बार की जो बाइक है उसके अंदर थोड़ा लाइट का इशू है, तो गाइस वो भी अब की बार अपडेट कर दिया जाएगा। और सबसे मेन चीज़ गाइस, इंडिकेटर, इसके अंदर गाइस इंडिकेटर ना गाइस वो अब की बार LED में देखने को मिलेंगे, बल्ब के साथ देखने को नहीं मिलेंगे। जो हैलोजन बल्ब होता है उसके साथ आपको इसके इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेंगे इस बार, अब की बार आपको LED देखने को मिलेंगे। ओवरऑल बाइक काफ़ी क्रेजी है गाइस, अगर ये इंडिया मार्केट के अंदर आती है, जो कि आएगी ही आएगी, क्योंकि गाइस इस बाइक का इंडिया मार्केट के अंदर लॉन्च होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ मत जाता है कि उसकी बाइक जो है हर सेगमेंट के अंदर उसकी बाइक होनी चाहिए, कोई भी सेगमेंट ऐसा ना हो जहाँ यामा की बाइक अवेलेबल ना हो। इसलिए यामा चाहता है कि उसकी R2 भी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाए। और गाइस, इसकी लॉन्चिंग है जो बहुत ही जल्द आने वाली है, आपको इंडियन मार्केट के अंदर गाइस ये दिसंबर के मंथ के आसपास देखने को मिल जाएगी। इसकी प्राइसिंग गाइस अगर मैं आपको बता दूँगा, इसकी प्राइसिंग भी ज़्यादा खास एक हिसाब से काफ़ी खास है, 2.5 लाख के आसपास इसकी एक्सोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाएगी। और जो गाइस एक्सपेक्टेड है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जैसे ये लॉन्च होगी तब तो हम आपको बता ही देंगे कि इसकी मैक्सिमम जो प्राइस है वो कितनी जाने वाली है। और जैसे ये इंडियन मार्केट के अंदर आएगी हम इसको परचेज़ करेंगे। गाइस, हमारे चैनल पर इसके सारे टेस्ट आएंगे, अगर आपने इसको अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर दें लाइक। तो हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, और जितने यामा के फैन हैं R2 के लिए वेट कर रहे हैं नीचे कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और गाइस, हम काफ़ी बड़े फैन हैं यामा के, आपको पता ही होगा गाइस यामा की बहुत सारी वीडियोज़ मैं बताता हूँ। तो जो भी बाइक इंडिया मार्केट के अंदर जब से सबसे पहले आएगी यामा की, हम उसको परचेज़ कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक।